आज DDC श्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी मेडिकल स्टोर के मालिकों के साथ बैठक की गई। बैठक में DDC सुनील कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी दवा विक्रेता मालिकों के निर्देश दिए गए कि वे जिले में सभी दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करें और अनिवार्य रूप से दवा का स्टॉक मौजूद रखें। संस्था USS फाउंडेशन के जिला सह संयोजक प्रदीप सोनी जी, जो लगातार समाज हित में अपना सहयोग निभा रहे हैं, राष्ट्रीय दिव्यांग जन कल्याण विभाग से सलाहकार माननीय श्रीमान उत्तम ओझा जी के साथ मिलकर संस्था के जिला सह संयोजक आर्थिक सामाजिक दोनों रूप से समाज की भलाई में लगे हुए हैं। संस्था उनका पूरा सहयोग कर रही है। संस्था उनके कार्यों की बहुत ही सराहना कर रही है। वह लगातार 12 दिनों से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से सम्मिलित रूप से लोगों की सहायता के लिए आगे आए हुए हैं, जिसमें संस्था भी अपना सहयोग निभा रही है तथा लगातार संपर्क में बने हुए हैं। लगातार समाज के उन सभी जरूरतमंद लोगों के बीच खाने पीने की भोजन सामग्री आदि की व्यवस्था किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक गुड्डा श्री शैलेंद्र प्रसाद बर्णवाल ने गुड्डा जिला के 40 बच्चों को थैलेसीमिया बीमारी से ग्रसित और लॉकडाउन होने के कारण इन बच्चों को रक्त की कमी होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सदर अस्पताल गुड्डा में गुड्डा पुलिस की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कराया गया, जिसमें लगभग 31 पुलिस पदाधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा स्वेच्छा से अपना रक्तदान दिया। इस मौके पर उन्होंने जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा, महादान दान रक्तदान होता है, ऐसे जवानों को सलाम। गुड्डा पुलिस संकट की स्थिति में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त आम जनों की सेवा में सदैव तत्पर हैं, चाहे वह जरूरतमंदों को भोजन कराना हो या भूखे को घर राशन पहुंचाना हो। सनौला प्रखंड के सिलहन खजूरिया पंचायत में मंगलवार को सनौला प्रखंड प्रमुख श्रीमती सुषमा देवी और सनौला प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष सह सिलहन खजूरिया पंचायत के मुखिया सुभाष चंद्र भगत के द्वारा सिलहन खजूरिया के सभी गांव में डोर टू डोर सभी जरूरतमंद लोगों को मास्क और धोने के लिए साबुन का वितरण किया गया। साथ ही पंचायत वासियों से घर घर जाकर अपील किया कि कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन करें और अपने अपने घर में ही रहें और कुछ दिनों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना वायरस का एकमात्र इलाज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सुजीत कुमार, उप मुखिया संतोष कुमार भी उपस्थित थे। इतना देरी लागे छे दम यार पांच टेल तक में तोरा नहीं लागे दू घर मास्क त नहीं देबे को घर में दारू देल कर हम बोली न तुम्हें लगा के बाहर जाना थे खत्म हो जी दौड़ के ले जा कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत सनौला प्रखंड के सनोखर थाना क्षेत्र के बुद्ध धूचक गांव में सोमवार को शाम लगभग 7 बजे खाना बनाने के क्रम में वोल्रो पासवान के घर में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही समय में घर का सारा सामान धू धू कर जल कर राख हो गया। ग्रामीणों ने आनन फानन में बच्चों और मवेशियों को घर से बाहर निकाला, लेकिन अनाज सहित 2 बकरियां आग में जल कर राख हो गई। मौके पर पत्नी नूतन देवी ने बताया कि उनके पति रोजी रोजगार के खोज में कमाने हेतु पंजाब गए हुए हैं। लॉकडाउन के कारण वहां ही फंसे हुए हैं।
यहाँ उनके साथ छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है तथा घर में जो कुछ अनाज था वह भी जल गया। अब खाने पर भी आफत हो गई है। उन्होंने यथाशीघ्र मदद लगाने की गुहार लगाई है। मौके पर धनौरी गांव के समाज सेवी जयकांत चौधरी के द्वारा नूतन देवी को 2100 रुपए नगद तथा 10 किलो चावल दाल और आलू दिया। वहीं बड़ी नाकी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मुस्तकीम आलम ने 1100 रुपए नगद और कुछ राशन सामग्री देने की बात कही। आग की खबर फैलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी सोनहला अरविंद कुमार ने बताया कि अंचलाधिकारी द्वारा जांच कर उचित सरकारी मुआवजा दिया जाएगा। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि 4-4 छोटे बच्चे एवं पत्नी अकेले आग के कारण बेघर हो गए, जिन्हें यथाशीघ्र मुआवजा मिलना चाहिए। गोड्डा पुलिस को मिली लगातार दूसरे दिन भी बड़ी सफलता। गोड्डा जिला के पुलिस कप्तान श्री शैलेंद्र प्रसाद बर्णवाल ने महागामा ललमटिया क्षेत्र के खड़े वाहनों से लगातार हो रहे डीजल चोरी की घटना को संज्ञान में लिया और एक विशेष टीम का गठन किया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक गोड्डा को मिली गुप्त सूचना एवं निर्देशन पर गठित टीम के द्वारा महागामा थाना क्षेत्र के गंगा सागर चौक के पास कासिम गैरेज में छापेमारी की गई, जहां से कासिम पिता मोहम्मद सलील साकिन शगुनिया थाना धरैया जिला बांका को गिरफ्तार किया गया एवं उसके गैराज से 50-50 लीटर के 10 गैलनों से लगभग 575 लीटर चोरी का डीजल बरामद किया गया। उक्त आरोप में महागामा थाना में अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धारा के तहत कांड अंकित किया गया। गोड्डा जिला के पुलिस कप्तान श्री शैलेंद्र प्रसाद बर्णवाल के निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के दिए गए निर्देश झारखंड में नहीं रहेगा कोई भूखा के तहत गोड्डा जिला के हनवाड़ा मेडिल स्कूल किचन खोला गया है। आज 5वें दिन खाना खिलाया गया। हनवाड़ा किचन एवं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार का बैनर लगाकर गोड्डा जिला के हनवाड़ा में भूखे असहाय जरूरतमंद लोगों को हनवाड़ा थाना प्रभारी सूरज कुमार और हनवाड़ा पंचायत मुखिया मंजूर आलम द्वारा निशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रतिदिन 1000 से अधिक लोगों को भोजन कराया जा रहा है। आज हनवाड़ा थाना प्रभारी सूरज कुमार द्वारा अपने हाथों से खाना खिलाया। पीछे तक फोटो आना चाहिए। मैं बड़ा बुरा लग रहा हूँ। सब्जी लगाता हूँ। भूंजा तो सुपर बना है। जल्दी से ही पता चल जाता है नहीं? पूरे देश में लॉकडाउन होते हुए भी शराब तस्कर हावी नजर आ रहे हैं। झारखंड के गोड्डा जिला स्थित बसंत राय प्रखंड के पकड़िया मोड़ पर अपाची सवार 2 व्यक्ति करीबन 3 पेटी शराब लेकर बिहार की ओर जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह को सूचना मिलते ही पकड़िया मोड़ पर शराब तस्कर को दबोचा। यह दोनों काला कलर का अपाची पर सवार था। विकास कुमार गुप्ता पिता बीरू यादव ग्राम देवडार थाना धरैया जिला बांका, दूसरा व्यक्ति राजेश कुमार यादव
पिता जवाहर यादव ग्राम चिचोरी थाना महागामा का वासी है। सूत्रों के मुताबिक यह दोनों व्यक्ति मिलकर शराब झारखंड से उठाकर बिहार में बेचा करता था। प्राथमिकी दर्ज कर दोनों युवक को जेल भेजा गया है। माता में सर शराब बरामद की है, ये कैसे हुआ सर? गुप्त सूचना मिली थी लॉकडाउन के लागू होने के बाद भी, मैंने झारखंड से बिहार के लिए जो दो लड़का जो है से काला एवं लाल रंग का अपाची मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में शराब बिक्री करने के लिए झारखंड से ले जा रहा है। इसकी सूचना बड़ी पदाधिकारी को देते हुए आवश्यक कार्रवाई से सब उनके साथ प्रस्थान के लिए पकड़िया मोड़ पर, पकड़िया मोड़ पर जैसे ही पहुँचे तो देखे कि एक लाल रंग का काला रंग का जो है काला रंग का अपाची मोटरसाइकिल पर दो लड़का सवार होकर के आ रहा है। उसको रोके और रुकने के बाद जैसे ही पुलिस रुका गया तो गाड़ी से उतर के भागने का प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा उसको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद पूछा गया तो सुकाई से पूछताछ किया तो बताया कि इसमें जो है से अवैध अंग्रेजी शराब जो है से झारखंड से बिहार के लिए बेचने के लिए ले जा रहा है। कितना बोतल सब बरामद हुआ सर? सब मिला कुल मिलाकर जो हो गया लगता है 23 बोतल। इसमें लगता है कि 11 बोतल हो गया ना, बड़ा ना 6 पीस और आपसी 6 पीस, आपसी हो गया 5 पीस। ये लगभग कितने रुपये का होगा सर? हाँ कितने रुपये का होगा? रुपया लगभग नहीं दिया गया, रुपया का नाम नहीं सर। थैंक यू।